ஜனநாயகத்தை பொறுத்தவரை தேர்தல் என்பது மிகப்பெரிய திருவிழாவாக கருதப்படுவதாகவும் அதில் மக்கள் அனைவரும் பங்கேற்க வேண்டும் எனவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அரசோ அல்லது அரசியல் கட்சியோ மக்களுக்காக பணியாற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்திய பிரச்சாரத்தின் மூலம் மக்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பை தேர்தல் நமக்கு அளித்திருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் और इस सब की सबसे बड़ी विशेषता है कि जिसमें मतदाताओं को एजुकेट करने का एक मास स्केल पर मूवमेंट शुरू हो जाता है तो एक प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी डेमोक्रेसी के संस्कारों को आने वाली पीढ़ियों में उनके जहन में उतारने का அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் தலைமையில் கூட்டணி அரசு அமைந்ததாகவும் அனைத்து கூட்டணி தலைவர்களும் பொறுப்புடன் செயல்பட்டதாகவும் கூறினார் அதே நேரத்தில் மன்மோகன் சிங் தலைமையிலான கூட்டணி அரசில் அதிகாரம் படைத்த பிரதமராக மற்றொருவர் செயல்பட்டதையும் சுட்டிக்காட்டினார் இந்தி கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தால் ஆண்டிற்கு ஒரு பிரதமர் வீதம் ஐந்து பிரதமர்கள் நாட்டை வழிநடத்துவார்கள் என்றும் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டார் देखिए गठबंधन की सरकारों के भी रूप रंग अलग रहे अटल जी की भी सरकार की तो गठबंधन वाली थी लेकिन उसमें एक डिसिप्लिन थी साथी दलों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मनमोहन सिंह जी की भी सरकार थी गठबंधन की थी लेकिन उसमें एक तो एक सुपर सीएम थे जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते थे दूसरा हर मिनिस्ट्री अपने आप को स्वतंत्र सरकार मानती थी हर मिनिस्टर अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था तो ये जो दस साल बाद में गए अटल जी का भी गठबंधन का था लेकिन वो कैरेक्टर एक डिसिप्लिन कैरेक्टर वाला गठबंधन था कतल प्र गर्व होना चाहिए कि एक सरकार ऐसी है कि जिसका करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस है दूसरा ये सरकार ऐसी है कि जिस डिपार्टमेंट के पास जो काम है उसको करना पड़ता है अगर किसी को सफाई का जिम्मा है तो वो सफाई करनी पड़ेगी भाई तुम घर पे सोते तो नहीं सकते हो तुम्हें समय पर बस चलानी है तो चलानी पड़ेगी तो एक गवर्नेंस में हर एक को अपना अपना काम ढंग से करना चाहिए ये डिसिप्लिन लाने का मेरा प्रयास है